लाइए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 डिफरेंस क्या है। देखिए, डायबिटीज इज हाई ब्लड शुगर। आपके बॉडी के अंदर आपके खून में शुगर घूमती है, शुगर रहती है, और फिर खून से ज्यादा वो अगर ज्यादा हो जाए एक लेवल के ऊपर, तो खून में कितनी रहती है, खून में बहुत कम रहती है। जैसे कि 120 ग्राम, 120 ग्राम 120 पर डीएल, बेसिकली बहुत कम शुगर हो गई, तो 5 ग्राम हो गए, 150 मिलीग्राम, एमजी मिलीग्राम, तो मिलीग्राम होता है 120 mg। अगर आपके बॉडी के अंदर शुगर आपके ब्लड में है, तो उसके ऊपर वाली शुगर जो होती है ना, वो डायरेक्ट बॉडी स्टोर करना शुरू करती है। जब भी आप खाना खाते हो, खाना खाने के बाद शुगर स्पाइक हो जाती है, खून के अंदर चले जाती है। खून के अंदर जाने के बाद आपकी बॉडी ट्राई करती है कि उसको टिश्यूज में लेके जाए, टिश्यूज में लेके जाए। दैट वर्क, उस वो काम है इंसुलिन का। इंसुलिन उसको करने के लिए स्टिमुलेट होता है सिक्रीशन, डिपेंडिंग अपॉन कितना शुगर आपने खाया। जितनी ज्यादा ग्लाइसिमिक इंडेक्स, जितना ज्यादा शुगर, जितना ज्यादा इंसुलिन, उतना ही ज्यादा इंसुलिन स्पाइक होगा, और उतना ही ज्यादा शुगर तुरंत आपके सेल्स के अंदर चला जाएगा। इंसुलिन सेल्स के अंदर ले जाएगा तो ब्लड के अंदर से शुगर कम हो जाएगी, और कहने के लिए आपके टेस्टिंग में शुगर कम आएगी। लेकिन क्या वो आपके लिए अच्छा है हमेशा हमेशा? जी नहीं, क्योंकि बहुत ज्यादा मात्रा में शुगर खाने से, बहुत ज्यादा शुगर अंदर सेल्स में जाने से वो स्टोर होगी ग्लाइकोजन और फिर फैट में। ग्लाइकोजन शुगर, शुगर का स्टोरेज फॉर्म है जो आपके लिवर और आपके स्केलेटल मसल, ये दो जगह स्टोर होता है। सो ये हुई छोटी मोटी उसकी बेसिक एनाटॉमी। अब टाइप 1 और टाइप 2 डायबिटीज क्या है? टाइप 1 डायबिटीज जिसको कहते हैं, ये ज्यादातर केसेस में बचपन से होती है, कुछ केसेस में बचपन से अलावा बड़े होके भी हो सकती है। इसमें फर्क यह है कि आपके अंदर ये जो इंसुलिन है, ये बन ही नहीं रहा है, ही नहीं, कम है, जितना चाहिए उससे कम है या बन ही नहीं रहा, राइट? इंसुलिन ही नहीं है। तो क्या होगा, जो भी खाओगे, जितना भी खाओगे, वो आपके खून के अंदर ही रहेगा। शुगर खून के अंदर घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, आपके सेल्स को, आपके टिश्यूज को नहीं मिल रहा। तो आपके टिश्यूज एक तरीके से भूखे हैं, उनको नहीं मिल रहा कोई भी खाना, क्योंकि इंसुलिन ही नहीं है, इंसुलिन ही कम है। अभी कम है का मतलब ये होगा कि हो सकता है जितना इंसुलिन चाहिए उससे आधे से आधा है, तो थोड़े बहुत सेल्स को मिला, बाकी सेल्स को नहीं मिला। क्या नहीं मिला? ग्लूकोज, शुगर। तो ऐसे केस में टाइप 1 डायबिटीज वालों को इंसुलिन डिपेंडेंट होना ही पड़ता है, क्योंकि तो ऐसे केस में दो ही तरीके हैं मैनेजमेंट के, कि अगर तो इंसुलिन जीरो है, बनी नहीं रहा शरीर में, तब तो लेना ही पड़ेगा इंसुलिन, बाहर से इंसुलिन लेना ही लेना है। टाइप 1 डायबिटीज के मैनेजमेंट में इंसुलिन लेना पड़ेगा, इसीलिए टाइप 1 डायबिटीज वाले पेशेंट्स को इंसुलिन लगता है बचपन से। जितना शुगर खाएंगे उतना इंसुलिन लगेगा, जितना शुगर नहीं खाएंगे, जितना कम शुगर खाएंगे उतना कम इंसुलिन। तो टाइप 1 डायबिटीज में भी देर इज अ स्कोप डाइट का। ऐसा नहीं है कि टाइप 1 डायबिटीज है तो डाइट का कोई लेना देना नहीं है, नहीं, ऐसा नहीं है। टाइप 1 डायबिटीज जब इंसुलिन कम बन रहा है तब भी, या नहीं बन रहा है तब भी, आपकी इंसुलिन की रिक्वायरमेंट कम करने के लिए आप डाइट कम कर सकते हैं। डाइट कम का मतलब कार्बोहाइड्रेट कम खाइए, प्रोटीन थोड़ा बढ़ा दीजिए, और फाइबर, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ज़्यादा खाइए। फ्रूट्स में, जी हाँ, फ्रूट्स में शुगर होती है, लोग पूछेंगे, लेकिन बाकी कार्ब वाले रोटी से कम होती है। सॉरी। तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, टाइप 1 डायबिटीज ये हुआ जिसमें इंसुलिन नहीं बन रहा या कम बन रहा है। तो टाइप 2 डायबिटीज क्या है? टाइप 2 डायबिटीज वो है कि आपके शरीर को रेगुलरली आपने हैवीली लोड किया, ज्यादा शुगर, ज्यादा शुगर, ज्यादा शुगर, इतनी शुगर खाई, इतनी शुगर खाई कि शरीर इंसुलिन स्पाइक कर कर के थक गया। अब इतना स्टोर हो रहा है, मोटे होते जा रहे हो, मोटे होते जा रहे हो, मोटे होते जा रहे हो, चलने फिरने में दिक्कत हो रही, पैरों में, घुटनों में प्रेशर आ रहा है, शरीर सोच रहा है, समझ रहा है, ओ माय गॉड, अब मैं क्या करूं, ये तो खाते ही जा रहा है, हाउ टू स्टॉप दिस गाय। सो वो तो स्टॉप नहीं कर सकता, उसने पैरों में, घुटनों में दर्द दे दिया ही दिया, लेकिन वो जो बर्गर पड़ा है सामने, वो जो डोनट पड़े हैं, वो जो आइसक्रीम है, वो जो रसगुल्ले हैं, उसको अंदर जा मना कैसे करें? तो शरीर क्या करता है, आप खाओ जो मर्जी खा लो, वो कहता है इंसुलिन मैं नहीं बनाऊंगा,
मैं इंसुलिन कम बनाऊंगा, पहली चीज। तो वहां पर भी इंसुलिन का सिक्रीशन कम हो जाता है। या फिर डायबिटीज टाइप 2 में क्या होता है कि आपके इंसुलिन तो बनता है, इंसुलिन तो बनता है, वो कहता है कि मैं अब ये इंसुलिन की एक्टिविटी ही कम कर दो, इंसुलिन के जो रिसेप्टर्स हैं, इंसुलिन की जो सेंसिटिविटी है वो कम कर दो, कि हम इंसुलिन जितनी तेजी से आपके खून में आई शुगर को सेल्स में टिश्यू में लेके जा रहा था वो तेजी ही कम कर दो। वो तेजी कम कर देंगे तो आपके खून में शुगर ज्यादा रहेगी और आपके सेल्स में शुगर कम जाएगी, तो आप मोटे नहीं होगे, कम से कम दैट। लेकिन फिर भी प्रॉब्लम पूरा सॉल्व नहीं हुआ, आधा ही सॉल्व हुआ, क्योंकि आप मोटे नहीं हो रहे तो इंसुलिन रेजिस्टेंस से एक थोड़ा सा फायदा हो गया। घाटा क्या हुआ कि खून में शुगर घूम रही, खून में शुगर घूमते हुए और ज्यादा नुकसान करती है आपके खून के जो वाहिकाएं होती हैं, ब्लड वेसल्स, उसमें अपने आप में नुकसानदायक है। आपके उस वाहिका से जहां जहां से जहां जिस जिस ऑर्गन में खून जा रहा है उस ऑर्गन में नुकसानदायक है, ऑर्गन डैमेज होता है, लिवर डैमेज, किडनी डैमेज, नसों में डैमेज, इसीलिए डायबिटीज के कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। इस वजह से डायबिटीज न्यूरोपैथी, डायबिटीज वेस्कुलोपैथी, डायबिटीज रेटाइनोपैथी, सबसे छोटी सबसे डेलिकेट ऑर्गन है आपका आँख का पीछे पर्दा, रेटाइना, सबसे पहले हाई शुगर्स, हाई ब्लड प्रेशर का इस पे इफेक्ट देखा जा सकता है। लंबे समय में अगर ब्लड प्रेशर या शुगर को कंट्रोल नहीं किया गया तो आप अपनी आईज को चेकअप करा के रेटाइनोस्कोपी से, फंडोस्कोपी से देख सकते हैं कि वहाँ रेटाइनोपैथी हो रहा है, आँख का पर्दा खराब हो रहा है शुगर और बीपी के चलते। तो शुगर बीपी के चलते आंख का पर्दा खराब, किडनी खराब, नसें खराब, पैर में सुन्नपना, पैर में ऐसे ऐसे मोटे मोटे छाले भी हो जाते हैं लोगों को, खून में शुगर दौड़ रही है, खून में शुगर ज़्यादा है, खून में शुगर जो नॉर्मल 120 मिलीग्राम होनी चाहिए आपकी 140, 180, 180 के ऊपर अब शुगर यूरिन में आनी शुरू हो गई, यूरिन में शुगर आ रही है तो यूरिन मीठा है तो पेशाब भी ज़्यादा भी आ रहा है, मीठा भी आ रहा है, पेशाब में जलन भी हो सकती है, पेशाब में इन्फेक्शन जल्दी होंगे, तो यूरिन प्रॉब्लम, किडनी में इन्फेक्शन जल्दी होगा। जहाँ जहाँ इतनी शुगर है तो डिपॉजिट होने शुरू हो जाती है, शुगर के क्रिस्टल्स बनने शुरू हो जाते हैं, उस डिपॉजिट से उस पेरिफेरी में इन्फ्लामेशन, एथरोस्क्लेरोसिस, कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट्स, आपके लिवर में, आपके आपके खून की नसों में, हार्ट में, आपकी किडनियों में डैमेज होना, इन्फेक्शन तुरंत हो जाना, शरीर में एक भी बैक्टीरिया घुसा तो उसके लिए जन्नत, उसके लिए तो खाना ही खाना, बैक्टीरिया लव्स शुगर, तो उसको तो तुरंत बढ़ने के लिए, पनपने के लिए अच्छा मौका मिले। चोट लग गई तो हील नहीं होना, क्योंकि तो चोट लग गई तो वहाँ पर भी खून जा रहा है, मीठा मीठा जा रहा है, मीठा खून और ज़्यादा इन्फ्लामेशन पैदा करता है, वो मीठा खून क्लॉटिंग में भी टाइम बढ़ाएगा। सो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हैं शुगर के, ये टाइप 1 टाइप 2 डायबिटीज़ दोनों में होंगे। जी हाँ, क्योंकि दोनों में ही खून में तो शुगर है ही, चाहे इंसुलिन कम है, नहीं है, इंसुलिन नहीं है टाइप 1 में तो अंदर नहीं जा रहा, और इंसुलिन है भी और रेजिस्टेंट है, इंसुलिन काम ही नहीं कर रहा, तो बात तो एक ही हो गई, है ना, कि भाई पुलिस वालों के पास बंदूक है लेकिन बंदूक में गोली नहीं है तो क्या फायदा, सेम चीज हो गई। सो यही चीज है आपकी डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 में फर्क। मैनेजमेंट इसका दो दो तरफे है, दो दोनों तरीके से मैनेज नहीं किया तो फायदा नहीं, तो बरादर तीन तरीके से मैनेज है और तीनों तरीके से साथ में किया जाए तो ही मैनेजमेंट सही होता है। नंबर 1 मैनेजमेंट इज डाइट, नंबर 1 इम्पॉर्टेंट मैनेजमेंट इज डाइट। आपके शरीर में अगर एक पर्टिकुलर मात्रा में शुगर जा रही है रोजाना, एवरेज मान लो आप 100 ग्राम शुगर रोज खा रहे हो, मान लो 100 खा रहे हो, तो अगर आप उसको घटा के 50 कर दोगे, 50 ग्राम शुगर को मैनेज करना आपके शरीर के लिए आसान हो जाएगा, हो जाएगा, और आपको दवा, इंसुलिन, आपकी चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2, दोनों में मदद मिलेगी। फिर आगे चल के आप 50 को 25 करें तो शुगर को कम कर लेना, कार्बोहाइड्रेट कम खाना अपने आप में इसका एक इलाज है। दूसरा स्टेप इलाज का है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज जितनी आप करते हो उस एक्सरसाइज से आपकी इंसुलिन की सेंसिटिविटी, चाहे टाइप 1 हो चाहे टाइप 2 हो, इंसुलिन कम बन रहा है या इंसुलिन है लेकिन रेजिस्टेंट है, दोनों में सेंसिटिविटी बढ़ती है। एक्सरसाइज से आपके ग्लूकोज अपटेक बढ़ता है, आपके ग्लूकोज ग्लाइकोजन यूटिलाइजेशन बढ़ता है, मेटाबॉलिज्म बढ़ता है, तो एक्सरसाइज इज ऑलवेज गुड, ऑलवेज एक्सरसाइज विल हेल्प, बट
रेगुलर एक्सरसाइज विल हेल्प। एक दिन में मैराथन भाग जाने से ऐसा नहीं कि ठीक हो जाएगा। वहां पर फिर इश्यू आएगा कि बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करने पे, बिकॉज यू हैव एक तो इंसुलिन कम है या रेजिस्टेंस है, तो ग्लाइकोजन जल्दी यूज नहीं हो पा रहा, या ग्लाइकोजन बन नहीं रहा, ग्लूकोज यूज नहीं हो रहा, तो कीटोसिस जल्दी हो सकता है। तो ऐसे केस में रेगुलर मॉडरेट एक्सरसाइज बहुत जरूरी है, हैवी वर्कआउट नहीं। और थर्ड पॉइंट है मेडिसिन। टाइप 1 डायबिटीज में आपको इंसुलिन लेना पड़ेगा। इंसुलिन के बहुत प्रकार आते हैं। फास्ट एक्टिंग इंसुलिन आता है जो सीधा शुगर चेक करके देख के लगाई जाती है अस्पतालों में। स्लो एक्टिंग इंसुलिन आता है जो 12 घंटे चले। एक अल्ट्रा लॉन्ग एक्टिंग आता है जो 24 घंटा चले, राइट। एक वीक में एक बार लगाने वाला भी आता है आजकल। तो ऐसे ऐसे इंसुलिन के टाइप्स हैं जो बहुत रेगुलरली लंबे समय में लेने पड़ते हैं, मगर उसमें भी आपको एक अनुशासन, एक फॉलो करना पड़ता है कि हाँ मेरे डेली बेसिस पे इतने ही शुगर है डाइट में। ऐसा नहीं कि कभी खा लिया इतना शुगर कि पूछो नहीं, मिठाई ही मिठाई, और कभी खाया ही नहीं, सो योर बॉडी गेट्स कन्फ्यूज, राइट। सो आपको एक बैलेंस रखना पड़ता है। तो ये तीन तरीके से होता है मैनेजमेंट। टाइप 2 डायबिटीज में फिर मेडिसिन अलग अलग आती हैं। इंसुलिन बढ़ाने वाली दवा है, इंसुलिन की सेंसिटिविटी बढ़ाने वाली दवा है, शुगर को ही कम करने वाली दवाएं, शुगर को पकड़ के पेशाब के थ्रू निकल देने वाली दवाएं, बथेरी टाइप की दवाएं हैं टाइप 2 डायबिटीज। तो इन चारों मैनेजमेंट से इस तरीके से डायबिटीज टाइप 1 और टाइप 2 को मैनेज करना होता है। आई होप आपको समझ आई बात, राइट। कोई सवाल है तो लिखिए, जरूर जवाब देंगे।